राधे राधे दोस्तों। तो रिसेंटली केजरीवाल की स्पीच काफी वायरल हो रही है। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के, और जो भी करना हो कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। अब इस स्पीच के क्या कारण थे, और क्योंकि मैं देखो केजरीवाल को मैं काफी फॉलो करता हूँ, तो बता सकता हूँ आपको इस स्पीच के बाद क्या कारण रहे होंगे उनके ये कहने के, और क्यों उन्होंने ये स्पीच बोला जिसने पूरे देश में बवाल मचा दिया। ठीक है, तो दो की पॉइंट है जिनको आपको समझना पड़ेगा। पहला, केजरीवाल इज सो ऑब्सेस्ड विद मोदी। मतलब मुझे नहीं पता इन दोनों के बीच में क्या दिक्कत है, क्या फ्रस्ट्रेशन है, बट ये दोनों हेट करते हैं एक दूसरे को, और ये ओपनली नॉन है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल है और पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। नाउ सेकेंड, और एक बिगर पिक्चर होती है, वो मैं आपको बता दूँ क्या है बिगर पिक्चर। केजरीवाल एक आम आदमी पार्टी का लीडर है। अब आम आदमी पार्टी जानी जाती है अपने वर्क डोमेन में, मतलब जो वो बोलते हैं वो करते हैं मोस्टली। मतलब कहाँ पर उन्होंने सारे डेवलपमेंट में ग्राउंड नहीं, आप जानते हो दिल्ली में उन्होंने कितना बढ़िया काम किया। बीजेपी एक पार्टी है जिन्होंने वर्ल्ड को अपना मतलब डोमेन दिखाया है, अपनी पावर दिखाई है इंडिया को एक स्टेज पे ले जाके। मतलब मोदी ने वर्ल्ड स्टेज पे इंडिया के लिए जो काम किया वो ट्रिमेंडस है, उसको कोई बीट नहीं कर पाएगा अभी तो, ठीक है ना। अब दिक्कत कहाँ आती है कि बीजेपी की है ना एक इमेज है कि वो हिंदू प्रो पार्टी है, और इस मूवी ने क्या किया है कि जो हिंदू पंडितों के साथ हुआ था उसकी रियलिटी ला के बाहर रख दिए। अब इस मूवी से हुआ क्या कि जो हिंदू वोटर्स थोड़ा बिखरे हुए थे वो अलाइंग हो चुके हैं बीजेपी के साथ, ठीक है ना। थोड़ा ब्रॉडर देखो इसको, तो उसको थोड़ा सा डिटर करने के लिए, उसको थोड़ा सा हिट पहुंचाने के लिए ये स्पीच आई है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि केजरीवाल ने आज तक कोई मूवी को टैक्स फ्री नहीं किया, और उसने ऐसी ऐसी मूवी को टैक्स फ्री किया है जिसका आपको नाम देख सकते हो, इट गेट सारे ट्वीट्स हैं यहाँ पर। सो ये कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन से आई हुई स्पीच है, आप समझ सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग व्हाट गोइंग ऑन, और केजरीवाल का ये करना सिर्फ एक डिटरेंस था कि काश ये जो वोटर्स बेस जो सारा अलाइंग हो रहा है मोदी की तरफ या बीजेपी की तरफ इस पिक्चर की वजह से, क्योंकि भाई देखो बीजेपी प्रो हिंदू पार्टी है और उसका अलाइनमेंट भी बेस भी हिंदू वोटर्स है, और इस मूवी की वजह से वो उसकी तरफ जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ द वोट, और एक शॉर्ट वीडियो थी, इतनी बनाने थी मुझे, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको नेगेटिविटी मत लेना। जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे मैंने रख दिए क्लियरली, और किसी पार्टी से कोई अलाइनमेंट नहीं अपना, अपन ने तो अपनी बात रख दी, ठीक है। बाय बाय।